मैं बोलता था ना नए ट्रैक्टर ना लें, पुराने ही बढ़िया काम करते हैं, तो देख लो भाई वो आसानी से लेके चढ़ गया। कोई भी ट्रैक्टर ने थोड़ा सा जंप किया चला गया। भाइयों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही जानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसी ट्रैक्टर के ऊपर जिसकी वीडियो आपने पहले देखी थी, एस्कॉर्ट 355 वाली। भाइयों उस वीडियो पे भी आपने काफ़ी प्यार दिखाया था और आज उसी ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस लेके आए हैं आपके सामने, वही बूढ़ा शेर एस्कॉर्ट 355 47 HP। भाइयों इसकी पावर और परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ यही बता पाए थे हमको कितने का ख़रीदा था और कैसा काम कर रहा है किसान के पास। ये मात्र 58,000 रुपये में ख़रीदा था, 1998 मॉडल ट्रैक्टर है, एस्कॉर्ट 355 तीन सिलेंडर, गारे बनाने वाली मशीन है, इससे ब्रिक्स जो बनती है, ईंटें जो बनती हैं, उस कार्य पे चल रहा है ये। आपको दिखा दूं एक बार। अच्छा कितनी मिट्टी आ जाती होगी इसमें एक बार में? 2500 ईंटों की आती है। 2500 ईंटों की, लगभग कितना वेट माने? 25-75 75 क्विंटल, और मशीन में भी काफ़ी वेट होगी क्योंकि काफ़ी भारी है, लगभग 100-125 क्विंटल वजन माने। हाँ, भाई ये ब्रिक बन रही है यहाँ पे, फिर कास के मार्का के साथ, काफ़ी लंबा चौड़ा ग्राउंड है। उधर JCB चल रही है, वहाँ से मिट्टी ला रहे हैं है ये, वहाँ से परफॉर्मेंस दिखाएंगे भाइयों इसकी पावर की। देख लो कितनी PTO पावर लगानी पड़ रही है। ये वर्मा है, ये यहाँ से गारा मशीन पूरा रोल कर रहे हैं, इसको चिकना बना के पीछे के लिए भेज रहे हैं। कितने बीच में ये कच्ची ईंटें हैं, और इस ट्रैक्टर के तो कहने ही क्या, लाजवाब। नए ट्रैक्टर भी इसके सामने फेल हैं। काफ़ी अच्छा दम दिखाता भाई, देख लो धुआं नाम के लिए नहीं है, बहुत बढ़िया। भाइयों वही 355 एस्कॉर्ट, वही बूढ़ा शेर। कुछ हमारे व्यूअर भाई बोल रहे थे, कुछ भाई किसान भाई, रिंकू भाई आपने एस्कॉर्ट 355 बूढ़े शेर की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो भाइयों आज इसकी परफॉर्मेंस भी देख लो। ये बहुत ही पावर लगाने में लाजवाब ट्रैक्टर है। टायरों की बात करेंगे भाइयों, इसमें टायर चेंज करा दिए, वो पहले वाले टायर नहीं है, उसका भी रीज़न बताएंगे अभी वीडियो में कि टायर क्यों चेंज कराए। और भाइयों देख लो ये इस वाली मशीन पे चल रहा है, ये जो गारा बनाती है, इसमें भी काफ़ी वेट होता है, लगभग 100-120 क्विंटल आज ये खींचेगा। और थोड़ी यहाँ से चढ़ाई भी है, आपको दिखा दूँ, ये देखो भाई ये उधर ले जाएगा, उधर ACE 450 भी खड़ा है, वो भी इसी काम पे लग रहा है। कुछ व्यूअर बोल रहे थे कि ये एस्कॉर्ट 355 55 HP है, तो भाइयों उस चीज़ का भी आज सोल्यूशन कर देंगे कि ये कितने HP है प्रॉपर। भाइयों आज इस ट्रैक्टर की बारीक से बारीक जानकारी ले लो, देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसकी प्लेट लगी हुई है, आपको दिखा दूँ मॉडल नंबर एस्कॉर्ट 355 एस्कॉर्ट लिमिटेड, ये ट्रैक्टर का नंबर चेसिस नंबर वगैरह है, इंजन टाइप लिखा है इन्होंने, ये E3342। उसके बाद में मेन चीज रेटेड इंजन पावर एंड RPM, भाई रेटेड इंजन पावर 47 HP 2200 RPM पे प्रोड्यूस करता है, और PTO इकोनॉमी है भाइयों 540E, ये PTO के चक्कर बनाता है। भाइयों गियरों की बता दूं अब इसके, 6 आगे के ये दिख रहे होंगे आपको, और 2 पीछे के लो हाई यहाँ पे,
भाइयों मात्र 47 HP ट्रैक्टर है, लेकिन इसकी पावर और परफॉर्मेंस दिखाएंगे। जो आपने पहले देखी थी वही ट्रैक्टर है भाइयों, आपने उस वीडियो पर काफ़ी प्यार दिखाया। अभी थोड़ा आगे से कहीं लग गया है, भाइयों ट्रैक्टर मालिक हैं उनसे ही मिलवाएंगे। JCB से मिट्टी भरी जा रही है, भाइयों हमारे साथ हैं ट्रैक्टर मालिक टाइगर भाई। अच्छा कैसा काम कर रहा है ये ट्रैक्टर अभी फिलहाल में, क्योंकि उस दिन इसकी हम परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे, आज इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे किसान भाइयों को। कैसा काम कर रहा है? बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया, हाँ जी। अच्छा ये टायर चेंज कराने का क्या रीजन रहा खास? मशीनों में काट कम होने की वजह से। अच्छा मशीनों में, हाँ हाँ दिखाइए, पिचक रही है यहाँ तो काट कम होने की वजह से टायर अड़ते हैं, टायर यहाँ पे अड़ जाते हैं जिससे गुड्डी टूटने का डर रहता है। सही है, इसलिए डलवा दिए। अच्छा जैसे आप जब से लाए हो तब से कोई दिक्कत तो ना थी ट्रैक्टर में? कोई दिक्कत ना, कोई भी ना? कहीं पिचक रही है। अच्छा आगे से तो कहीं लग गया है, पहले तो ऐसा नहीं था। ये कहाँ मार दिया? JCB के पॉकेट में लग गया। अच्छा JCB के पॉकेट में। भाइयों इसकी पावर दिखाएंगे, टाइगर भाई ही ड्राइव करेंगे आज ट्रैक्टर को, कैसी पावर लगाता है। बिल्कुल ठोक के भरवाओ, बिल्कुल ठोक के भरवा दो, बिल्कुल हाँ। भाइयों इसकी खिंचाई देखना, इसके आगे और भी ट्रैक्टर फेल हैं। और लगवाओ, भाइयों दिखाएंगे इसकी पावर और परफॉर्मेंस। भाइयों देख लो कोई आगे बम्पर नहीं है, कोई वेट नहीं लगा हुआ, बिल्कुल नंगा ट्रैक्टर है और मशीन में काफ़ी भारी वजन है। टाइगर भाई खुद चला रहे हैं ट्रैक्टर को, अभी दिखाएंगे। भाइयों बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की, मैं बोलता था ना नए ट्रैक्टर ना लें, पुराने ही बढ़िया काम करते हैं। तो देख लो भाइयों आसानी से लेके चढ़ गया, कोई भी दिक्कत नहीं, थोड़ा सा जंप किया चला गया, बहुत ही बढ़िया एकदम मस्त। आवाज़ में कोई चेंजिंग नहीं, कोई धुआं नहीं भाइयों, बिल्कुल फुल है। आप भरी होगी, बिल्कुल फुल भरवाई है इसलिए हमने, कोई भाई सोच रहा होगा कम भरी हुई है। भाई ये जोड़ा वाले टायरों के साथ है, काफ़ी बढ़िया शानदार। भाइयों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।